ये हमारे इस महीने की तनख्वाह। काही, ये तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? एक घर खर्चा के लिए अपना वेतन देने का कौन मांगा तुमसे, हमको बता। पर बाबूजी, ये तो पहले ही तय हो गया था। तुमको क्या लगता है, इतना सबके सामने हमारा बेइज्जती करने के बाद में तुम हमारे हाथ में वेतन का लालच दोगी? अगर लीजिए बाबूजी, रख दीजिए, हम लालच में आ जाएंगे। हमारे साथ जो अपमान किया वो हम भूल जाएंगे। बहुत घमंड है तुमको ये पैसों का। घमंड अपने पास रखो, हमारे ऊपर सवार होने का जरूरत नहीं है। संतोषी जी, आप सुन लीजिए, इसके वेतन का एक चुमन्नी नहीं आप इस्तेमाल करेंगी। आया बात समझ में? वाह, ई का नया स्वांग रच रहे हो नटरू महाराज। है तुम्हारे जैसा बड़का लालची आदमी इकमाव वो उसे पैसा खाई लेने के लिए मना कर रहा है, है? फिर कोई नया परपंच है का? तुमको बीच में बोलने का जरूरत नहीं है, तुम बैठो चुपचाप। ए नटू, ज्यादा जबान मत चलाओ, समझे? हमी देवरानी जी जैसा तुम्हारा प्यार से बकवास और भाषणबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हमको पता है, पर ये बताओ अभी तुमसे कोई कुछ कह रहा है? अरे बोलने लायक मुंह में जबान रहेगा तुम लोग के तब ना। एक तो हमारा सारा माल ऐसे ही डकार के बैठे हो तुम लोग, और कुछ बोलोगे तो तुम लोग का राख लगा के जबान नहीं खींच लेंगे। इसको कहां से कहां बात ले जा रही? अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम तो अपना ही बाबूजी का बनुआ बैल ना हो। और हम ना बात कहीं इधर उधर नहीं लेके जा रहे, हम तो बस यही कह रहे हैं कि अगर ये नटरू ये देवरानी जी का पैसा नहीं ले रहा है, वापस कर रहा है, तो हमारा भी जितना दहेज भैया दिए थे ना सब वापस करो, तो कोई बेइज्जती नहीं होगा तुम लोग का। तुम्हारा दहेज तुम्हारा भाई का एक एक पैसा गिन के वापस कर दिया जाएगा। परेशान ना, तुम्हारे दहेज का एक चुमन्नी घर में रहेगा, ना इसका वेतन का एक चुमन्नी घर में रहेगा। अब इस घर के मर्द अपना ताकत दिखाएंगे। चलो अयोध्या।